नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। मदरसों में विदेशी फंडिंग का मामला है। केंद्रीय एजेंसियों का सहयोग लेगी अब एसआईटी। विदेशी धन पर नजर रखने वाली एजेंसियों की लेगी मदद। एसआईटी ने सभी जिलों से मांगी है रिपोर्ट। विदेशी फंडिंग और उसके सोर्स को खंगाला जा रहा है। नेपाल सीमा पर बड़ी संख्या में मदरसे खुले हैं। बहराइच में नेपाल सीमा पर 50 मदरसे खोले गए हैं। विदेशी फंडिंग वाले एनजीओ की लिस्ट की जा रही है, उसकी तैयारी। और नेपाल सीमा पर बढ़ी है मदरसों की संख्या। एक दशक के दौरान मदरसों की संख्या बढ़ी है। बीते कुछ सालों में करीब 50 मदरसे बहराइच के नेपाल सीमा पर खोले गए हैं। तो महत्वपूर्ण सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मदरसों को लेकर एक खबर निकल के लखनऊ से सामने आ रही है। बता दें, एसआईटी ने भी सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। मदरसों में विदेशी फंडिंग का मामला निकल के सामने आ रहे हैं। नेपाल बॉर्डर की बात की जाए तो नेपाल बॉर्डर के पास 50 से अधिक मदरसे तकरीबन खोले गए हैं, और ऐसे में अब मामला और भी ज्यादा संगीन होता हुआ नजर आ रहा है। केंद्रीय एजेंसियों का सहयोग लेगी एसआईटी की टीम। एसआईटी की टीम इसमें जांच पड़ताल अब शुरू करेगी। विदेशी धन पर नजर रखने वाले एजेंसियों की भी मदद यहां पे ली जाएगी। तो एसआईटी ने सभी मदरसों की लिस्ट अब तैयार कर ली है, और धीरे धीरे करके सभी पर शिकंजा कसना अब शुरू हो जाएगा। केंद्रीय एजेंसियों की टीम की मदद जो है एसआईटी की टीम लेने जा रही है, ताकि इस पे जांच पड़ताल और भी बारीकी से हो सके। इसलिए अब एसआईटी की टीम भी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। मदरसों में विदेशी फंडिंग का ये पूरा मामला है। इससे पहले भी हमने देखा था किस तरीके से जो अवैध रूप से मदरसे जो चल रहे हैं, उस पे लगाम लगाने के लिए योगी सरकार लगातार कार्यरत है। और इसी संदर्भ में एक और बड़ा कदम यहाँ पे एसआईटी उठाने जा रही है, ताकि जांच पूरी हो सके, अच्छे तरीके से हो सके। आपको बता दें, अगर सिर्फ यूपी की बात की जाए तो यूपी में तकरीबन 900 ऐसे अवैध मदरसे हैं जो कि चल रहे हैं। और ऐसे में ये जानकारी निकल के सामने आ रही है, जो नेपाल बॉर्डर है वहां से विदेशी फंडिंग आ रही है। सोर्स का हवाला भी यहां पे दिया जा रहा है, और कौन कौन से ऐसे सोर्स है उस पर भी एसआईटी की नजर है लगातार। और एसआईटी ने एक लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट की मदद से एसआईटी अब तमाम वो अवैध मदरसे, वो मदरसे जहां पे विदेशी फंडिंग होती है, उनके द्वारा ही मदरसे को संचालन किया जाता है, उस पर अब नजर बनाने में लगी हुई है। जद्दोजहद यहाँ पे एसआईटी कर रही है। जांच लगातार आगे जारी है, और यही जांच का सहयोग पाने के लिए केंद्र सरकार से और केंद्र एजेंसियों से अब मदद लिया जा रहा है। नोटिस जो है अब वो जारी कर दिया गया है। कई ऐसे अवैध मदरसे हैं जो कि विदेशी फंडिंग के साथ और विदेशी फंडिंग के दम पर चलाए जा रही हैं। इसलिए अब एसआईटी की टीम जांच करने में जुटी हुई है, और सभी जिलों से रिपोर्ट भी एसआईटी की टीम ने मांगी है। आदित्य नारायण श्रीवास्तव गोरखपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, यह आंकड़ा क्या दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है थमने के बजाय? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये मदरसों की जो एसआईटी आज जो जांच मांग रही है, योगी सरकार बनने के बाद यहाँ पर मदरसों का एक सर्वे किया गया। इसमें बहुत बड़ी संख्या में केवल गोरखपुर जनपद में करीब 183 मदरसे अवैध पाए गए, और करीब 243 मदरसे गोरखपुर में संचालन हो रहे। इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, इसकी जाँच उस सर्वे में निकल के सामने आई। और तब सरकार को एक रिपोर्ट भेजी गई कि किन मदरसों में प्रॉपर वे में काम हो रहा है या फंडिंग कहाँ से आ रही है। तब से यह जांच चल रही थी, और कल सर्वे का काम पूरा हो चुका है। गोरखपुर पता जो बॉर्डर नेपाल का है, वहां पर जमीनें लो मैंस लैंड है, जिस पर न इस देश की सरकार न उस देश की सरकार ध्यान देती है। वहां पर कुछ लोग जमीन को अतिक्रमण कर ले रहे हैं, वहां पर मदरसों का संचालन कर रहे हैं, जिससे एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि दोनों देशों के बीच जो वो जमीन है, इसलिए सरकार इस पर कोई कार्रवाई कर पा रही है। पुलिस द्वारा गोरखपुर के एडीजी अक्षय कुमार द्वारा एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई थी। इस मुहिम में मदरसों और वो दो बैंक जो कब्जा कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक अभियान चला के उनका हटवाया गया था। जी, जो विदेशी फंडिंग का आरोप लगा है, उस आरोप में कितनी सच्चाई है पहला, और दूसरी, अगर विदेशी फंडिंग हो रही है तो किस लिए हो रही है, आखिर किस यहाँ पे एक बड़े टास्क को अंजाम दिया जा रहा है, खासकर नेपाल बॉर्डर की बात कर रही हूँ मैं आदित्य। जी, जैसा कि मैं बता दूं, चाइना से काफी फंडिंग होती है मदरसों को, ऐसा लोग बता रहे हैं। यहाँ पर जो सूचना आई है, जो गोरखपुर के जोन के द्वारा जांच कराई गई है, उसमें पता चल रहा है कि बहुत सी फंडिंग विदेशों से हो रही है, जो चाइना के माध्यम से नेपाल होते हुए बॉर्डर पर आ रही है। मैं आपको बता चाहूंगा, इन मदरसों से कुछ मदरसे ऐसे हैं जहां पर आतंकवादी संगठन का भी पैसा लग रहा है, जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिले, और हर भारत देश में आतंकवाद गतिविधियों पर
ये लोग कार्य कर सके। जी केंद्रीय एजेंसियों की भी सहयोग लेने की बात यहाँ पे एसआईटी की टीम द्वारा कही गई है, तो किस तरीके से सहयोग लिया जाएगा और क्या आगे कार्रवाई की जाएगी? जी जैसा कि मैं बता दूं, बॉर्डर पर जो नेपाल सीमा सड़ा बॉर्डर है उस पर सेंट्रल पुलिस ही वहाँ पर कार्य करती है, जो स्थानीय पुलिस होती है उसका बहुत विशेष कार्य, इसलिए उनकी मदद की सख्त आवश्यकता पड़ती है। एसएसबी जो यहाँ पर हेडक्वार्टर है, जो नेपाल बॉर्डर पूरे इंडिया में जितने नेपाल बॉर्डर है उस पर जो लगी, उसी तरह गोरखपुर के बगल में जो नेपाल बॉर्डर है वहाँ पर एसएसबी सुरक्षा लगी है, जो सेंट्रल से स्टेट की पुलिस मदद मांग रही है। जी आगे क्या कुछ एसआईटी की टीम स्टेप उठाने वाली है इस पूरे कार्रवाई को देखते हुए? जी जैसा कि सरकार ने अभी एक सर्वे कराया है, सर्वे में बहुत सी बातें निकल के आई हैं, सरकार को हर जिले से रिपोर्ट भेजी गई है, उस रिपोर्ट में कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनकी जांच सेंटर से करना अति आवश्यक लग रहा है, जो कि उससे पता चल जाएगा कि फंडिंग कैसे हो रही है और इन मदरसों में जो इस टाइम पढ़ाई चल रही है या जो भी सुविधाएं मिल रही है वो उसका पैसा कहाँ से आ रहा है, सरकार द्वारा या किसी विदेशी फंडिंग द्वारा। जी और इस पूरे मामले पर दो दिन पहले विदेश शिक्षा विभाग से भी जवाब मांगा गया था। जी जैसा कि मैं बता दूं, शिक्षा विभाग से इसके बारे में एक जानकारी ली गई थी कि जो मदरसों में जो कार्यरत टीचर है वो किस प्रकार इनको शिक्षा विभाग उनको फंडिंग करता है और कितने बच्चे हैं, वो बच्चे कहीं और तो नाम नहीं लिखवाए जिनका अलग संस्थानों में नाम पढ़ाई का चला और मदरसों में कुछ गलत गतिविधियों में उनको रखा गया है, इस चीज की जानकारी शिक्षा विभाग द्वारा मदरसों से ली गई थी जिसकी एक रिपोर्ट शासन को जानी है। कितना टाइम एसआईटी लेगी इस पूरे सर्वे में और इस पूरे अवैध मदरसों पे कार्रवाई करने में, कितना वक्त कितनी मोहलत? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, एसआईटी को जो सर्वे रिपोर्ट जिलेवार मिली है उस पर एसआईटी कार्रवाई कर रही है, बहुत जल्द ही उस पर एक निश्चित समय के अंतराल निश्चित समय पर वो उस पर कार्रवाई कर देगी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें सेंट्रल पुलिस की मदद लेनी पड़ रही है, वही बातें होने की वजह से थोड़ी सी समस्या आ रही है, लेकिन जल्द से जल्द एसआईटी इस पर कार्रवाई कर देगी। जी ठीक है आदित्य, बने रहिए आप हमारे साथ। राहुल यादव भी बहराइच से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल देखिए, एक आंकड़ा निकल के सामने आया है 900 का आंकड़ा अवैध मदरसों का, और इसमें अब एक और जानकारी ऐड हो चुकी है कि विदेशी फंडिंग हो रही है, तो कहां से ये फंडिंग हो रही है, किसका हाथ है, क्या कुछ निकल के सामने आ पाया है अभी तक? मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जिले में कुल 301 मदरसे हैं जिनका पंजीकरण हुआ है, वो अल्पसंख्यक विभाग के ऊपर जब जांच किया गया तो यहाँ पे 400 से अधिक ऐसे मदरसे पाए गए जिनका अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है। जांच में जैसे यह खुलासा हुआ उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ था, हालांकि जांच होने के बाद ये रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। आपको पता चला कि एसआईटी की जांच करेगी, जांच आदेश आने के बाद फिर मदरसा संचालन करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल 400 से अधिक ऐसे मदरसे हैं जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है। जिस तरह आशंका जताई गई है कि विदेशी फंडिंग की भी संभावना है, तो उसको देखते हुए ये जो बॉर्डर, ये चूंकि जिला भारत नेपाल सीमा बॉर्डर से सटा हुआ है और वहाँ पे जो मदरसे संचालित हो रहे हैं, तो उसमें ऐसा आशंका जताया जा रहा है कि विदेशी फंडिंग की आशंका हो सकती है, तो ऐसा लेकर जांच शुरू होगी। हालांकि कब शुरू होगी, बहुत जल्दी जांच शुरू होने की संभावना है, ऐसे में यहाँ पे हड़कंप मचा हुआ है। जी तो कोई आंकड़ा क्या पता लग पाया है कि कितना आंकड़ा निकल के सामने आया है वो मदरसे जहाँ पे विदेशी फंडिंग हो रही है, अगर वो आंकड़ा पता लगा है तो कार्रवाई कब तक हो जाएगी? बताऊंगा ये अभी तक जितने 301 ऐसे मदरसे हैं जिनका पंजीकरण है, 410 ऐसे मदरसे हैं जिनका अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है और उसकी जांच चल रही है, और ये कब से बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं तो इसकी भी जांच चल रही है। हालांकि इनसे विदेशी फंडिंग की भी पुष्टि तो नहीं है, लेकिन आशंका जाहिर की जा रही है। अब ऐसे में जैसे ही जांच शुरू होगी तो उसके बाद ही खुलासा हो सकेगा कि कहां से कैसे फंडिंग हो रही थी। जी जी बिल्कुल, और जांच शुरू करनी जरूरी भी है क्योंकि यहां पे जो है ये अवैध मदरसों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। आदित्य, अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो 900 ऐसे अवैध मदरसे हैं जो कि संचालित हो रहे हैं पूरे यूपी में, क्या ये आंकड़ा बढ़ा है या आगे बढ़ सकता है, क्या संभावनाएं नजर आ रही है आपको? आदित्य तक तो हमारा ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा है, दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे। राहुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, अवैध मदरसों की संख्या 900 निकल के सामने आई है, क्या लगता है आंकड़ा कब तक इसमें इजाफा देखने को मिल सकता है और कब तक इन जो पूरा प्रोसेस जो होता है, अगर किसी भी एक संस्थान को चलाने के लिए क्या वो प्रोसेस यहाँ पे अपनाई नहीं जाती है?
बताना चाहूंगा ये चूंकि जो बहराइच जिला है अति संवेदनशील में आता है और यहाँ पे जो भारत नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ कटा हुआ जिला है, यहाँ पे कुल लगभग 491 ऐसे मदरसे हैं जिनका अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है और यह काफी लंबे समय से बिना पंजीकरण के संचालित हो रहा था। ऐसे में ये बात जरूर कहीं ना कहीं जहाँ से विषय है कि लंबे समय से बिना पंजीकरण के चल रहा था तो इसमें जो ऐसा संचालन होता है इसके खर्चे तो ये कहाँ से आ रहे थे। जिस तरह आशंका जाहिर की गई है कि विदेशी फंडिंग है तो कहीं ना कहीं ये जांच के दायरे में जरूर होगा क्योंकि जिस तरह बिना पंजीकरण के संचालन का होना और उसमें खर्चों का व्यय होना कहाँ से आ रहा था ये जरूर एक जांच का विषय बना हुआ है और जांच के बाद इसका पूरा खुलासा होगा तो ये आशंका जताई जा रही है कि चौंका देने वाला खुलासा होगा। हालांकि एसआईटी की जांच ये 491 जो मदरसे हैं उनकी रडार पे है और ये आशंका जाहिर की जा रही है कि जल्द से जल्द इसकी जाँच होगी जिसमें कुछ एक चौंका देने वाला खुलासा हो सकता है। जी जी बिल्कुल, चौंका देने वाला खुलासा हो सकता है ये संभावनाएं नजर आ रही हैं। आदित्य हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आदित्य, यहाँ पे जो अवैध मदरसे हैं क्या वो अभी भी चल रहे हैं या ताला जड़ा हुआ है, क्या शिक्षा अंदर भी बच्चे प्राप्त कर पा रहे हैं? जी जैसा कि मैं आपको बता दूं जो मदरसे जिनकी मान्यता नहीं प्राप्त थी जो प्रॉपर वे में चल रहे थे जिनकी मान्यता के लिए शासन में कागज जमे थे वो मदरसे तो अभी संचालन में है लेकिन जो मगर पूर्ण रूप से अवैध थे उन पर ताला बंद कर दिया है पुलिस द्वारा और सरकार द्वारा। अब सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ये पता चल जाएगा क्या ये मदरसों की फंडिंग पहले कैसे हो रही थी, क्या कोई एनजीओ या कोई संस्था उनको फंडिंग कर रही थी या इनको सरकार के द्वारा जो फंडिंग मिलनी है उसका कुछ अंश मिला था, उसके बाद ही ये पता चल पाएगा। जी जी बिल्कुल, और ये जरूरी भी हो जाता है काफी ज्यादा। राहुल, अगर बात की जाए मौजूदा स्थिति की तो क्या अभी विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं मदरसों पे सर्वे को लेकर और जांच को लेकर? देखिए मैं आपको बता दूं कि जो अभी मदरसे की जांच शुरू हुई थी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विरोधाभास की आवाजें उठी हुई थी लेकिन क्योंकि जांच एक नियमानुसार हो रहा है तो इसमें कोई बहुत खुल का सामने नहीं आ सकता है लेकिन जब जांच शुरू होती है तो कुछ लोगों का विरोध किस उठते हैं और वो चाहते हैं कि जांच जो हो वो एक हिसाब से न हो लेकिन चूंकि ये सरकार के निर्देश है सरकार के आदेश पे जांच होते हैं इसलिए कोई सामने आकर खुलकर नहीं बोलता है लेकिन जैसे ही जांच टीम पहुंचती है तो कहीं ना कहीं लोगों में हड़कंप मचता है और लोग ये चाहते हैं कि जांच न हो जिस तरह संचालित हो रहा है उस तरह होता रहे लेकिन चूंकि सरकार के आदेश से यहाँ के अधिकारी जो जांच करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां मिलती हैं जिन्होंने निर्देश सही कराने के दिए जाते हैं। यही कारण है कि जब जांच हुआ है तो 491 ऐसे मदरसे पाए गए हैं जहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। अल्पसंख्यक विभाग की ओर से जो जारी किए गए थे 391 से अधिक ऐसे मदरसे हैं जिनका पंजीकरण हुआ है बाकी मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल, अब देखना होगा कब तक जांच पूरी हो जाती है और केंद्र एजेंसी को जो सहयोग एसआईटी ने मांगा है सहयोग कब तक मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। 28-29 अक्टूबर के बीच रात में साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। आज शरद पूर्णिमा भी है, शरद पूर्णिमा की रात ये चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा और सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि पर लगता है। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा जिसकी अवधि 1 घंटे 16 मिनट तक है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है। वहीं आज पूर्णमासी की वजह से लोग सुबह सुबह गंगा स्नान और पूजा पाठ करने पहुंचे। तो ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सुबह सुबह चंद्र ग्रहण के मौके पर पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे हैं। पूर्णमासी है और इस अवसर पर तमाम लोग गए हैं स्नान करने के लिए, पूजा पाठ करते हुए भी दोनों तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। देखिए सायंकाल 4:04 पर यह वेद माने सूतक लग जाएगा, उसके बाद मंदिर सब बंद हो जाएंगे, सारे जितने भी धार्मिक कार्य हैं वो रुक जाएंगे और 1:00 रात में 4 मिनट पर स्पर्श हो जाएगा, ग्रहण लग जाएगा। इसके बाद में 1:44 पर ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा, इसके बाद मुक्ति हो जाएगी। रात में ही ये सब कार्य होना है और इसका प्रभाव जो है कुछ राशियों पर अनुकूल है, कुछ राशियों पर प्रतिकूल है।
और इस बीच दमोह से अहम जानकारी, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पहुंची है दमोह हेलीकॉप्टर से, जबलपुर से पहुंची है दमोह। एमपी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी साथ में मौजूद है। हेलीपैड पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया है स्वागत। प्रियंका गांधी रोड शो करती हुई पहुंचेगी सभा स्थल। तो बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी दमोह पहुंची है हेलीकॉप्टर से, वो पहुंची है दमोह और एमपी के पूर्व सीएम भी मौजूद है। इस दौरान तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं दमोह की, जहां पे प्रियंका गांधी पहुंच चुकी है। बता दें कि यहां पे जनसभा भी वो करने वाली है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी दमोह पहुंची है, जहां की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं हेलीकॉप्टर से। जबलपुर से पहुंची है दमोह, पूर्व सीएम कमलनाथ भी उनके साथ मौजूद है, तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और दमोह में कार्यक्रम है जिनमें शिरकत करेंगी प्रियंका गांधी, और बता दें उसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हेलीपैड पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं प्रियंका गांधी के एमपी दौरे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका गांधी से सवाल किए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की झूठ की दुकान सज रही है, आज फिर प्रियंका जी आ रही हैं। मैं सबसे पहले तो प्रियंका जी से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि भगवान राम और भगवान राम के मंदिर से आपको तकलीफ क्या है? कांग्रेस ने शिकायत की है चुनाव आयोग को कि भगवान राम के मंदिर के फोटो होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, वो निकाले जाए। महाकाल महालोक के चित्र लगे हैं वो निकालो। अब भगवान राम के होर्डिंग अगर लगे हैं तो राम तो रोम रोम में बसे हैं, राम इस देश के जन जन की सांस में बसे हैं। कभी आप राम को काल्पनिक बताते थे, भगवान श्री राम को जो करोड़ों करोड़ों के आराध्य है, भगवान राम के बिना इस देश का काम नहीं चल सकता। जो बेटियों को छेड़ेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे, ये कहना है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। सीएम ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा ही उनकी पहली प्राथमिकता है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर महिला सुरक्षा पर सख्त रुख अपनाया है और साथ ही बदमाशों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यूपी में किसी भी बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ करने वाले के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। अगर किसी ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल बीते 26 अक्टूबर को सीएम योगी यूपी के बागपत पहुंचे थे, जहां उन्होंने 351 करोड़ की लागत से बनने वाली 311 जन कल्याणकारी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने यहां एक जनसभा को संबोधित किया और सबका साथ सबका विकास नारे को दोहराया भी। जनसभा के दौरान सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि शिक्षा हमारी प्राथमिकता है, हम किसी बेटी की सुरक्षा के साथ किसी भी व्यक्ति को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे, किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे और जो भी खिलवाड़ करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, किसी बेटी की सुरक्षा के साथ किसी उचक्के को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। किसी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे और जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी कीमत चुकाएगा। किसी किसान की संपत्ति पर कोई जबरन कब्जा नहीं कर पाएगा, किसी व्यापारी का कोई जबरन उत्पीड़न नहीं कर पाएगा, जो करेगा उसकी कीमत ब्याज सहित उसको चुकानी पड़ेगी। किसी नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं होगी, जो करेगा तो जीवन भर पछताएगा भी, क्योंकि ये युवा ऊर्जा से भरपूर है, प्रतिभा संपन्न है। इसकी ऊर्जा और इसकी प्रतिभा का लाभ हमें प्रदेश और देश के विकास में लेना है, इसलिए उस युवा को अवसर मिलने चाहिए। इससे पहले भी सीएम योगी कई मौकों पर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता बता चुके हैं।
और इसके लिए पुलिस को खास निर्देश भी देते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। जल जीवन मिशन का लाभ प्रदेश के युवाओं को मिल रहा है। मिर्जापुर में भी केंद्र सरकार की इस योजना को जन जन पहुंचाने का काम यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है। रिपोर्ट देखिए। जल जीवन मिशन के तहत देश भर में लोगों को पेयजल पहुंचाने के काम हो रहा है। वहीं यूपी में भी योगी सरकार पीएम मोदी के इस विजन को रफ्तार देने का काम कर रही है। सीएम योगी के नेतृत्व में इस योजना को लेकर धरातल पर तेजी से काम हो रहा है, जिस कारण लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। योजना के तहत मिर्जापुर में 9 ग्राम समूह में ये परियोजना चलाई गई, जो अब तक 1634 गांव में 99% काम हो रहा है और अब तक 588 गांव में जल जीवन मिशन के तहत लोगों को लाभ मिल रहा है। यहाँ पर लगभग जो है वो 1634 राजस्व गांव जो हमारे हैं, उनमें 349,966 घरों में हर घर नल का कनेक्शन किया गया है और इन 1634 गांव में हमारी जो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन है वो हम लोग लगभग 99% पूरे कर चुके हैं और इनमें से 500 गांव में हमने जलापूर्ति भी प्रारंभ कर दी है। शेष गाँव में भी शीघ्र ही जलापूर्ति भी प्रारंभ हो जाएगी। योजना का लाभ मिलने से लाभार्थी गदगद हैं और सरकार का आभार जता रहे हैं। सब बहुत अच्छा है, मिलता है, बहुत बढ़िया है। ये जल भी अच्छा है। अच्छा, जब से नल लगा है आपके जीवन में क्या बदलाव आया? हाँ साहब, बहुत शरीर के स्वास्थ्य के लिए, मतलब पेट के लाद के गर्मी, शरीर के और सब कुछ अच्छा है। सीएम योगी की लोक सेवा का फायदा आज प्रदेश के हर एक व्यक्ति को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के हर एक घर तक योजना का लाभ पहुंच रहा है, जिससे प्रदेश में शुद्ध पेयजल की बयार बह रही है और लोग पीएम मोदी और सीएम योगी का गुणगान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहें इंडिया वॉइस।